दीपांजलि बिहार की उस बेटी का नाम जो स्टीवन जॉनसन नामक बीमारी से ग्रसित है। दवा के रिएक्शन से इसका पूरा बदन जल चुका है। आंखों का इलाज कई वर्षों तक देश के जाने माने अस्पतालों में हुआ। इलाज की वजह से पूरा परिवार दिवालिया हो गया और इसी बीच दीपांजलि की पढ़ाई भी रुक गई। जब ठीक हुई तो स्कूल ने फिर से उसे पढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन आर्यन न्यूज ने बेटी की लड़ाई लड़ी और सबसे पहले उसका दुख आप तक पहुंचाया। हमारी कोशिश रंग लाई और दीपांजलि आज स्कूल जा रही है। स्कूल जाना इतने दिनों के बाद तुमने शुरू किया, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे वहाँ सब बहुत कोऑपरेट करते हैं, टीचर, मैम, स्टूडेंट, सब कोई। अगर मुझे कोई परेशानी हो तो वो लोग मेरी मदद कर देते हैं। दीपांजलि को जब दवा का रिएक्शन हुआ था तो पूरे बदन पर सिर्फ फफोले ही नहीं हुए थे बल्कि मुंह और नाक से खून गिरने लगा था। उसकी आंखें 3 महीने तक बंद रही थी। बड़े अस्पतालों का इलाज काम आया और निराश हो चुकी दीपांजलि को नई जिंदगी मिली। स्कूल के दाखिला नहीं मिलने का मामला बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी पहुंचा और तत्कालीन अध्यक्ष निशा राय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। हमारी कोशिश रंग लाई और दीपांजलि के घर में खुशियां लौट आई। 20/8/2013 को इसका एडमिशन हुआ और ये इसका जो है सौजन्य जो है और इसका जो है क्या कहते हैं एडमिशन में जो है आर्यन टीवी का बहुत बड़ा योगदान रहा और इनके पहल से ही आज हमारी बच्ची स्कूल जा रही है 3 सालों के बाद। आर्यन टीवी को धन्यवाद देना चाहते हैं और स्कूल प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। अब आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। हाँ, आर्यन टीवी के माध्यम से ही हम लोग इसका एडमिशन हुआ है। दीपांजलि की आंखें अब भी शाम 8 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू भी ठीक से नहीं बनते, लेकिन उसके हौसले को सलाम जो IPS बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। हमें इस बात की खुशी है कि आर्यन पर दीपांजलि की खबर दिखाने के बाद स्कूल प्रशासन की आंख में भी पानी उतरा, लेकिन इसका श्रेय हम अकेले नहीं लेना चाहते। इस श्रेय का हकदार आप दर्शक भी हैं जिनकी बदौलत हम ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवत, RN News पटना।